चलो चलो। क्यों भैया मंडप ले जा रहे हो? कहीं और बताया था तुमने तो। अरे कोई बात नहीं, हमें तो बस पैसों से मतलब है, समझ गए ना? हाँ सही कहा तुमने, इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। छोटे वो खाना वगैरह? अरे क्या कह रहे तुम, शराब? हाँ? तुम दोनों को चाहिए क्या? हम वो सब नहीं देखते, इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए भैया। क्यों छोटे, ये मंडप इतना पुराना, देखने में कुछ गोदाम जैसा लग रहा है ये तो। वो क्या है कि हमें बड़ा स्पेशल तैयार किया है, चलो चलो। आ, आ, ये सब चले कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए ये लोग यार? बैठो 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 बैठो। हाँ बैठिए बैठिए। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे शादी चोरी से। लोग खाना देंगे या नहीं? थोड़ी देर के लिए आग क्या लगी, तुम लोग चले आए? भैया जरा ये बताइए, खाना वेज है या फिर नॉन वेज है? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो नॉन वेज चाहिए। अगर मटन बिरयानी और चिकन कोरमा मिले तो मजा ही आ जाएगा भाई। अरे अगर पंडित चिकन खाने लगेंगे तो हम जैसे क्या करेंगे, सब्जियां खाएंगे क्या? अरे इतना तो समझो कि हम भूखे रह जाएंगे। ये भेष बदल लिया है तो सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा? अरे चिकन खाने के लिए तुम लोग अपना भेष बदल लोगे क्या? अरे फोन आ गया, हेलो। आप चिंता मत करिए, एक ही जगह दो दो पंडित है, हम उठा लेंगे उनको। क्या कहा? उठा लिया? भगवान हमें किस लिए उठा कर लाए हो? जरा फोन देना, आपके बॉस से न्याय मांगना है हमें। मालिक उनको आपसे ही बात करनी है, लीजिए बात करिए, मैं देता हूँ फोन उनको, आप बात कर लीजिए मालिक, ठीक है? उनको बात करनी है, हेलो बात करो। मालिक हमें माफ कर दीजिए, हम कसम खा के कहते हैं पंडित नहीं है। पैसों के लालच में हमने पंडित का नाटक करने के लिए राजी हुए। हम लोग तो बस एक छोटे मोटे से एक्टर हैं। हमारा सीरियल टीवी पर भी आता है। हाँ मालिक, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप माइकल मुझे तो मुझे देखेगा हमें। क्या कह रहे हो तुम लोग, तुम लोग एक प्रोफेशनल एक्टर हो, मुझे नहीं पता था ये बात। ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुम लोगों ने? उस अरुण के बच्चे ने ही हमें आकर पंडित का नाटक करने के लिए कहा और हमें एडवांस भी दिया, बुक करके चला गया। उसने आखिर में एक काम करने के लिए कहा था, वो क्या था? हाँ वो सिर्फ लड़की को उठाने का ही ड्रामा कर सकता है, लेकिन हमारा तो काम ड्रामा करना ही है, ऐसा कहा था उसने। बॉस वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे भी उसका ही फोन आ रहा है, मैं बार बार काट रहा हूँ फोन। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? तू भी काट, चुपचाप जल्दी करते। हाँ, तो बोल क्या बोल रहा है। सर हम अपनी परफॉर्मेंस के साथ कन्विंस लेकर पूरे 2000 रूपए चार्ज करते हैं। सब मिला करके 4000 रूपए लेते हैं। क्या कहा 4000 रूपए? कहाँ जा रहे तुम? हाँ चलो चलो। तुमने क्या कहा अभी? 4000 नहीं तो 3000 दे दीजिए मालिक। जरा रुको, उनका ही फोन है। हेलो हाँ मालिक, हाँ ठीक है। अच्छा मालिक मैं क्या बोल रहा हूँ, पंडित जी ना आपसे एक खास बात करना चाहते हैं, तो उनसे आप बात कर लीजिए, आराम से बात करिए, मैं आता हूँ। अरुण एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मयूर अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है। अब क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? मयूर धोती कुर्ता लाने गया था, अभी तक नहीं आया। उसे क्यों भेजा है? तुम तो मयूर के घर गए थे। गया था पर वो नहीं मिला। उसकी पत्नी से पूछा तो कहने लगी वो दोपहर 1 बजे ही मंडप के लिए निकल गया। हैं? 1 बजे निकला तो कहाँ गया होगा, कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? ऐसा कुछ नहीं होगा, इस वक्त तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी, अब क्या करेंगे? मामा जी धोती कुर्ते का इंतजाम हो गया, आप समझ गए ना? जरा मेरे साथ चलिए तो। अच्छा चलिए।
आपका धोती कुर्ता बहुत ही चमक रहा है। आज मेरी सालगिरह है ना। ये बात है, इधर आइए, आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। भाई क्या करना है? ए, बोलना। दूल्हे को धोती बांधनी नहीं है। मैं पहना देता हूँ ना। आइए आइए आइए। ये क्या बेटा, तुम इस हालत में खड़े हो बिना कपड़े के, ऐसे क्यों? हाँ मामा। ए धोती निकाल। धोती है? हाँ, समझ गया समझ गया। नहीं मिल रही। मैं तो भूल गया, श्रवण की धोती स्त्री के लिए दी हुई है, लेकिन जब तक वो लाएगा तब तक तो यहाँ पर मुहूर्त ही निकल जाएगा भाई। क्या कर सकते हैं। हाँ मेरी बात सुनिए, एक बात जानते हैं, एक तरह से आपके सालगिरह वाले दिन श्रवण की शादी भी है कि नहीं? देखिए कैसा संजोग है, ये धोती पहनकर ये मंडप में बैठने वाला है। तब तक एक काम कीजिए, जब तक इसकी धोती नहीं आती तब तक आप इसे धोती पहनना ही सिखा दीजिए, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, पहना देता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, तुम धोती बांधना सीखना चाहते हो, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। भैया आपने अंडरवियर तो पहना है ना? हाँ पहना हुआ है, क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा ऐसा क्या? ले लीजिए। तू जरा मुंह बंद कर, तू अंडरवियर के बारे में क्यों पूछ रहा है बदमाश। इसको ऐसे घुमा के पकड़िए, ऐसे घुमाओ, इसको नीचे ले जाइए। बस ऐसे 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 इसको ऐसे बांध करके पीछे 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 ऐसे। वो वाला नीचे नीचे यहाँ खोज दो। बढ़िया बढ़िया ऐसे। इसको ऐसे फिर मोड़ दो मोड़ दो। हो गया ऐसे 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 घुमा घुमा। देखो बस 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 ऐसे ऐसे बस ऐसे 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 करना है। ऐसे घुमा के ऐसे। देखो मैं बताता हूँ कैसी बनी है मामा। वाह अच्छी बनी है ना। बढ़िया, कमीज भी दीजिए, शर्ट भी। देखा ये कमीज इसके ऊपर कितनी जच रही है, और मुझ पर? बस अब इसके ऊपर एक कूलिंग ग्लास आ जाए तो ये एकदम हीरो लगेगा साउथ का। वाह 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 वाह, चल चल तैयार हो जा तैयार हो जा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम गरुड़ध्वज ओम शांति शांति शांति। लड़के को लेकर आइए, देरी हो रही है। ये क्या, हमेशा लड़की को देरी होती है पर यहाँ लड़के को देरी हो रही है। जरा रुकिए पंडित जी, लड़के को भी धोती मिली है। क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है उसे धोती पहने नहीं आती है, उसे पहनाने वाला मिल गया है। आजकल के लड़के बस शादी में धोती पहनते हैं, क्या बोले अब उनको हम। चलिए चलिए मंगलसूत्र लेकर आइए। जो लेकर आओ। नमस्ते। हाँ हाँ खुश हो। ठीक है ठीक है। ये क्या, जानते हो तुम कैसे लग रहे हो? लग रहा है नसबंदी करवा के अपना इनाम पाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हो, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ए श्रवण देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी कर जल्दी करना। और सुन तेरी कमीज बहुत अच्छी लग रही है। मामा बहुत महंगी है मामा। अरे वो सब पता है मुझे, चल जल्दी कर तू जल्दी। अरे कितना सजेगा, आजा आजा आजा। ओ मंगल लीजिए पंडित जी। ये क्या, मंगलसूत्र पीले धागे में? अरे पंडित जी आपने ही तो कहा था कि दूल्हे को दोष लगा है, सोने का मंगलसूत्र नहीं पहनाना, हल्दी का पहनाना है। मैंने कब कहा था, फिर से भूल गए। परमेश्वर बोलिए ना पंडित जी। अरे तुम्हें नहीं बुला रहा। नाम परमेश्वर है। अरे मैं परमेश्वर को बुला रहा हूँ। नाम तो है ईश्वर।